मार के दम पर, जो जिस भाषा को समझेगा उस भाषा से समझाएंगे, और अगर दूसरे लोगों ने भी इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया तब क्या करेंगे आप? मैंने कहा ना, जो जिस भाषा को समझेगा उस भाषा में जवाब देंगे। एक बात बताओ महाराज, आज अगर चौकीदार ना होता तो पता है क्या होता? पता नहीं। मैं ही बताता हूं। सोचो चौकीदार ना होता तो आज क्या होता? मम्मी होती, दीदी होती, मम्मी होती, दीदी होती, जीजा साला होता, खाने का खिलाने का रिवाज चल रहा होता, क्वात्रोची मिशल मामा का राज चल रहा होता। अरे अपने मिशल मामा भैया, अरे वही हेलीकॉप्टर वाले। महंगाई का बढ़ना अंबर पार कर गया होता, घोटालों का पांडू फिर सरकार बन गया होता, हाँ जी राजा बन गया होता। सोचो चौकीदार ना होता तो आज क्या होता? Let me tell you how I see a चौकीदार। देश को आगे बढ़ाए, टेररिज्म को जड़ से मिटाए, करोड़ों को हौसला दिलाए, जो बोले वो करके दिखाए, विश्व से कंधा मिलाए, बेटी जो देश की पढ़ाए, हर घर में ये बिजली पहुंचाए, गरीबों के सपने सजाए। चौकीदार, चौकीदार ना होगा तो कैसे चलेगा बताओ, कब कैसे चलेगा? दुश्मन बैठा हंस रहा होता, देश उबल रहा होता, आतंकी को खुला देख के खून खौलता होता, और डोकलाम में चीन खड़ा आज नाचता होता, फिर 56 इंची सीना हिंदुस्तान ढूंढता होता, मोट से चलता पीएम पीएम रिमोट से चलता पीएम, फिर भीगी बिल्ली होता, आज भी मानो इटली का गुलाम दिल्ली होता, भारत की बर्बादी तक का नारा चल रहा होता, टुकड़े टुकड़े करने का प्लान चल रहा होता, भैया प्लान चल रहा होता, सरदार पटेल की जगह ये लोग अफजल का स्मारक बना रहे होते। तो सोचो चौकीदार ना होता तो आज क्या होगा? ये नहीं होगा तो धोखा हो जाएगा, महामिलावट में इंडिया बिक जाएगा, देश को टुकड़ों में करके ना जाने यहाँ कौन से व्यक्ति को न्याय मिल पाएगा, हाँ या ना बोलो अब है ना जरूरी, इस देश की निगरानी रखनी है पूरी, तो अपना ही बंदा बैठाना पड़ेगा, तो मोदी को फिर से लगाना पड़ेगा, कुछ यही एक शख्स है असूलों का पक्का, विश्वास हमारा है इसीलिए रखा, बाकी तो सारे सिर्फ बातें करे हैं, पर दुश्मन का इसी ने छुड़ाया है छक्का। भाई जी क्या लगता है, लोगों को गाना पसंद आएगा कि नहीं? अब गाना पसंद आए ना आए, मेरे करण अर्जुन आए ना आए, मंद बुद्धि को अकल आए ना आए, लेकिन आएगा तो मोदी ही। फिर एक बार ना जोर लगा लो, चाहे जितना शोर मचा लो, जीतेगी बीजेपी ही, आएंगे फिर योगी ही, आएंगे फिर योगी ही, आएंगे फिर योगी ही, आएंगे फिर योगी ही, फिर से आई है योगी जी, फिर से आई है योगी जी, फिर से आई है योगी। घर घर में जाना है, सबको समझाना है, कांग्रेस के चोरों से पीछा छुड़ाना है, हो कोई ना अत्याचार हो, जब पीएम मोदी हो देश की नैया पार हो, जब पीएम मोदी वोट फॉर इंडिया का नारा लगाएंगे, कमल के फूल का बटन दबाएंगे, हो देश की नैया पार। अखिलेश जी हिंदू नहीं हिजड़ा है, वो हिंदू नहीं है, वो हिजड़ा है, जो हिजड़ा जो साड़ी पहन के घूमता रोड पे वो हिजड़ा नहीं होता है, जो हिंदू हो के हिंदू का विरोध करे वो हिजड़ा होता है। जुग जुग बनवा ले रही हा, ए हो मोरी मैया, जोगी मोदी के सरकार। अगर मेरे खिलाफ विरोध करोगे तो मैं कुचल दूंगा, और गुजरात वालों जो कर सकते हो मेरा बिगाड़ सकते हो तो बिगाड़ लो। 25 साल के बाद सबसे महंगी बिजली गुजरात में क्यों है? पूरे देश में सबसे महंगी बिजली गुजरात के अंदर है। पूरे देश में लगभग सबसे महंगी बिजली पंजाब में मिलती है, क्यों? उत्तराखंड जो सारे देश को बिजली देता है वहां पे बिजली सबसे महंगी है। बिजली जैसा मैंने कहा आज सबसे महंगी उत्तर प्रदेश में मिल रही है।
आ गलो सब वोट मांगे खातिर। अभी सब मैया बाबू कह के वोट मांगतो और जब जीत जीतो तो जाहे ओकर घर त आंख देखे तो ऐसनकवा लागतो जैसन का कि हमें पंचायत के आदमी है ये ना इसके लिए बोला ये तोरार के सोच समझ के वोट दिए लेकिन ना तोरार के पैसा 500 रुपया खाली मिल जितो बस दारू पीना हो घर आना हो खाना खाना हो मुझ के सूख जाना हो बस। Hey y'all, come look at this. रुको जरा सबर करो। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंदु भूमे सुखं वर्धितो हम, त्वया हिंदु भूमे सुखं वर्धितो हम, महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे, महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे, पतत्वेश कायो शक्तिमन हिंदु राष्ट्रांग भूता, प्रभो शक्तिमन हिंदु राष्ट्र। और तुम्हारी तो ख्वाहिशात भी बड़ी अजीब गरीब हैं। तुम इस देश से यहूदियों को समाप्त करना चाहते हो, वो शैतान है तुम्हारी निगाह में। काफिरों को खत्म करना चाहते हो, वो भी शैतान है तुम्हारी निगाह में। लेकिन मूर्खों, तुम्हें यहूदी की बनाई AK-47 से ही समाप्त करोगे उसे? तुमसे कुछ नहीं बनाया गया अभी तक। तुम कट्टा बना सकते हो, चाकू बना सकते हो, उसी काफिर के हथियार और उसी यहूदी के हथियार से तेल निकला तब तुम्हें पता चला कि यह तेल है, नहीं तो तुम्हारे लिए चंदा हो रहा था पूरी दुनिया से। तुम तो इतने एहसान फरामोश हो कि जिन्होंने तुम्हें कपड़े पहनना सिखाया, जिनकी वजह से पूरी दुनिया में आज यह कहते हो कि हम बहुत ताकतवर हैं, जिनकी बुनियाद पे हो आज भी वो टैप बंद करते तो टैप खोलना नहीं आता। लो इनकी तो शर्म कर लो, क्यों क्यों भी मतलब में बनाए जा रहे हो, इनकी तो शर्म कर लो कम से कम। पैकेट की शिकल देखी जाएगी, कुबेर की आरे पे देख लो, कुबेर देवता जी छाप रखे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हर चीज पे भगवान, हर चीज पे भगवान, भगवान सेल बढ़ाने आ रहे हैं, सेल्स मैनेजर है भगवान, माता माता चिल्लाए जा रहे हैं, बिरते हैं, नू है फलाना ढिकना कन्या खबा रहे हैं, आज 9 दिन का पूरे हो गए, अब देख लीजिए 9 दिन बाद क्या हालत हो रही है, जितना भी कूड़ा कबाड़ा सब आगे प्लॉटन में, भगवान जी 9 दिन रखे अगर मैं फेंक दिए, पता ना कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं यार। एक बताओ, कभी किसी मुस्लिम ने अल्लाह छापे हैं, किसी क्रिश्चियन ने फादर छापे, किसी सरदार ने कभी बाबा छापे अपने, पर हिंदू ने जरूर छापने, पता ना क्या फायदा मिले। मेरी आंखों देखी बात है, पता मैंने क्या देखा, एक पंडित हवन कर रहा हूँ, उसने हवन करो पूरा, हर चीज निकाली, सारी चीज का हवन कर दिया, लास्ट में वो उसी में डाल दिया है। उसके बाद बताऊं, न्यूज़पेपर में फोटो आवे ना भगवान जी के, एक लेडीज ने क्या करा, उसके बच्चे टट्टी आ रही, उसने निकाल न्यूज़पेपर फाड़ा जिस पे भगवान जी बन रहे। आंखों देखी बात है, मेरी आंखों देखी बात है, बालक टट्टी आई होगी, मम्मी ने न्यूज़पेपर ऐसे करके फाड़ा, जैसे यू न्यूज़पेपर है ना ऐसे लियो फाड़ दियो ऐसे, और बच्चे नू रख के टट्टी करवा दियो आगे ऊपर, क्यों छाप रहे भगवान जी ने, शर्म ना कुछ भी यार, मानते ना इन्हें, पूजा ना करते इनकी, हर घर में रखे रहे यहाँ इन्हें, इनके ऊपर टट्टी करवा दो बालकन की, ये 2 रुपए का गुटका, 2 रुपए का गुटका, ये रहा लक्ष्मी चाबी, आदमी चबाया थूक दिया रैपर, या नीचे फेंक दिया, चबाया थूक दिया रैपर नीचे फेंक दिया, पिछला वाला इंसान आया पीछे का या के ऊपर पैर रख कर चला गो, लक्ष्मी को चलते चल रहे हो तुम तो। मेरी बात अगर अच्छी लग रही हो ना तो एक काम करियो भाई, तुम जो हाथ जोड़ कर निवेदन है, तुम भी सच में हिंदू धर्म से हो तो एक काम करियो, वीडियो शेयर करियो, ज्यादा से ज्यादा ये लोगों तक वीडियो पहुंचे, सब देखें और समझें, बस भाई इतना ही कहना, अब भी समझ में ना आवे तो एक काम करो, गू खा लो, राम राम जी। अब बताइए कि हमारे हर पर्चे पे हर चीज पे भगवान जी की मूर्ति होनी चाहिए? नहीं जी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये फेंक देते हैं, यूज करके फेंक देते हैं उसको मूर्ति को, और वो तस्वीर जो पैरों में खुनती है। फोटो होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तुम में और भगवान में तुम्हारे क्या फर्क रहेगी उसमें? गलत है भाई, गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हम अपनी आस्था के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्रदेश में एक आदमी है, सुबह कब सोता है पता नहीं, कब उठता है पता नहीं, ये गेरुए बस का प्रताप है, पूरी दुनिया के लोगों को कहता है जिस भाषा में समझोगे उसी भाषा में समझा दूंगा, इतनी भाषाएं उसे आती हैं, और जब उसने ये भाषा बोलना शुरू की जो लोग उसको मजाक समझ रहे थे, बोले ये पूजा वूजा करने वाला आदमी होगा,
क्या हमें समझाएगा। उसने एक आदेश दिया, आंदोलन करिए, आंदोलन करना लोकतंत्र में आपका अधिकार है। आंदोलन करते करते अगर बस चला दी और रेल चल गई, पूरा वीडियो है मेरे पास। जो जो जलाते हुए जस्टिस पकड़ा गया पूरे पैसे वसूल करूंगा। इतना ही आदेश दिया। कुछ लोग गफलत में थे क्योंकि 70 साल में उन्होंने राजनीति में जो लोग भी थे वो अलग अलग किस्म के दलाल थे, जो इस राष्ट्र को बेच करके अपनी दुकानें चला रहे थे। उनको गलत आदत लग गई, ये भी ऐसे ही आखिर तक नहीं माना। और जब नाम सार्वजनिक होने लगे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास के बाहर 5-5 फीट लंबी दाढ़ियां, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने लोग बोले मौला माफ कर दे, एक बार माफ कर दे मौला। इसको कहते हैं जिसको जो भाषा समझ में आए उसी भाषा में जवाब देना चाहिए, और भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन भाषा की मर्यादा भी इतनी न रखी।